नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएसएस न्यूज में। मैं प्रदीप सालदी आज मौजूद हूं टी सीरीज के एक बहुत ही जाने माने कलाकार हैं, सिंगर हैं केशव शर्मा। तो आज हम इनसे जानकारियां हासिल करते हैं कि टी सीरीज में किस टाइप के म्यूजिक बनाते हैं और क्या क्या इन्होंने किया, इनकी लाइफ के बारे में बेस से हम जानकारी लेंगे। मेरा नाम भाई साहब केशव शर्मा है और मैं क्लासिकल गाता हूँ टी सीरीज में भी और काफी कंपनियों में मेरी एल्बम्स है। सर, आपके किसी फेमस गाने के दो बोल हमारे दर्शकों को सुनाएंगे? अभी मेरा एक भजन लॉन्च हुआ है, कल ही मेरा भजन लॉन्च हुआ है, एक भोले के बरातिया नु भंग चढ़ गई। तो केशव जी, आप लोगों को अपनी न्यू लॉन्च एल्बम के दो बोल सुनाएंगे। तन भस्म मले व्योण घोरनु चले वे कुशुभ भोला, लेके नंदीगण साथ लेके भूतदी बरात वे कुशुभ भोला। सर, ये टी सीरीज पे लॉन्च हुआ है या कौन सी कंपनी में? ये मैंने यूके से लॉन्च किया है और अभी एक और भजन आ रहा है मेरा, वो भी बराती है, वो तीसरी लॉन्च करूंगा। बाकी थोड़ा सा हमारे दर्शकों को ये बताएंगे कि आपका निवास स्थान कहाँ है? मैं भाई साहब बदरपुर में रहता हूँ, गांव मेरा मीठापुर है मैं, और अभी मैं फरीदाबाद रह रहा हूँ। अब तक कितने गाने आ चुके हैं आपके? मेरे कम से कम यूट्यूब पे गाने आपको 80 से ज़्यादा गाने होंगे मेरे। तो इतने सारे गाने आपने लॉन्च किए, वहाँ तक पहुँचने के लिए और जिस मुकाम पर आप इस समय हो वहाँ तक पहुँचने के लिए काफ़ी स्ट्रगल भी करना पड़ा होगा आपको, थोड़ा अपने स्ट्रगल के बारे में हमारे दर्शकों को बताएंगे? हाँ जी, ये तो आपकी बात सही है भाई साहब, हर काम के लिए देखो स्ट्रगल तो करना ही पड़ता है। मैंने भी काफ़ी स्ट्रगल करा है इस काम के लिए। पहले मैं कोरस करता था, फिर मुझे एक जागरण वाले भाई मिले, उनके साथ मैं सपोर्ट में रहा, उन्होंने मुझे रास्ता दिखाया। मैंने फिर गंधर्व महाविद्यालय से अपना कोर्स फाइनल किया, फिर मैं उस्तादों की शरण में गया, वहाँ से मैंने विसार की थोड़े बहुत सूफियाने का ज्ञान लिया। उसके बाद फिर मैं सिंगिंग में अपनी एल्बम वगैरह मैंने गाई, दो चार एल्बम गाई जिसमें मेरी एल्बम फ्लॉप भी रही। उसके बाद मैंने हिम्मत नहीं हारी, दोबारा मैंने अपनी एल्बम करी, उस एल्बम से मुझे रिस्पांस मिला, मार्केट में नाम मिला और आप सबका प्यार मिला मुझे, जो मैं आज इस मुकाम पे हूँ। तो एक अहम सवाल और अंतिम सवाल ये है कि जितने भी गाने आपके अब तक लॉन्च हुए हैं वो सारे पंजाबी में हैं या और भी लैंग्वेजेस हैं या हरियाणवी में हैं? देखिए जी, कुछ ब्रज है, कुछ हिंदी है, कुछ हरियाणवी है और कुछ पंजाबी है। तो चलते चलते सर, हमारे दर्शकों से कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि बहुत से ऐसे युवा आज की डेट में हैं जो गायक बनना चाहते हैं या कोई ना कोई उनके अंदर प्रतिभा है, तो उसके लिए उन्हें किस तरीके से सही मार्ग मिले उसके विषय में हमारे दर्शकों से कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, जो भी आज हमारी युवा पीढ़ी सिंगिंग में कूद रही है, सिंगिंग लाइन के अंदर आ रही है, मैं उनसे एक ही बात कहना चाहता हूँ कि पहले सिंगिंग को थोड़ा बहुत ज्ञान गुरुओं की शरण में जाएं, उसके बाद सिंगिंग में आने से पहले अपना एक बैकग्राउंड बिजनेस जरूर होना चाहिए, इसके ऊपर बिल्कुल भी ना रहे कोई भी, क्यों, ये रोजी रोटी जब देगा आपको जब आप अच्छे नामी सिंगर बन जाएंगे या अच्छे मुकाम पर आ जाएंगे, वरना एक दिन ऐसे हालात आ जाते हैं जो बिल्कुल ही। तो क्या ऐसे हालातों से आप गुजरे हैं? देखिए जी, मेरा बैकग्राउंड अच्छे घराने से है, मेरे पापा ने मुझे पूरी सपोर्ट करी है जिसकी वजह से आज मैं यहाँ पहुँचा हूँ, और उसके बावजूद भी मेरा बैकग्राउंड, मैं बिजनेसमैन हूँ एक, मेरा फर्नीचर का, मेरे पापा का फर्नीचर का काम है, मैंने वो काम नहीं छोड़ा, मैं अपने पापा की हेल्प करता रहता हूँ। हमारे बीच मौजूद थे युवा कलाकार केशव शर्मा जी, टी सीरीज के साथ ही काफ़ी ऐसी कंपनियां हैं, नामी कंपनियां जिनमें इनके काफ़ी सारे गाने लॉन्च हो चुके हैं, और इसी तरीके की रोचक खबरें मैं आपको देता रहूंगा। इसी के साथ अपने दोस्त प्रदीप सालदी को दें इजाज़त, मीडिया पार्टनर हर्ष भाटी के साथ और कैमरा पर्सन हिमांशु भार्गव।